जयसवाल, मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद ब्रिजेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा 69,000 की जो भर्ती अभी कोर्ट केस में फंसी हुई है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो ये बात को लेकर अभी तक अपनी तैयारी को विराम चिन्ह लगाए हुए हैं कि पढ़े कि ना पढ़े, क्या करें, वह उसको लेकर अभी तक परेशान है। तो मैं आपके लिए बस एक छोटा सजेशन लेकर आया हूँ कि आप अपनी जो पढ़ाई वो जारी रखें, क्योंकि वास्तव में इस बार दिन प्रतिदिन जो कंपटीशन और लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, 4,10,000 लगभग अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उसमें से अंतिम रूप से केवल 69,000 ही चयनित हुए थे। बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं दोबारा उन्हें परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी सिलसिले में मैंने आप सभी के लिए यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट की एक सम्मिलित रूप से एक कोर्स हमने प्रारंभ किया गया है। और इस कोर्स का सबसे बड़ा मेरा मकसद ये है, मैं आपको तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आप अंतिम रूप से अध्यापक ना बन जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ने की जो सीमा होती है वो लगातार क्रमबद्ध पढ़ते हुए ही हम सफल हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि परीक्षा नज़दीक आने के बाद 2 से 3 महीने की तैयारी करने के बाद हम और आप पढ़कर कोई परीक्षा बेहतर अंक अर्जित कर पाएँ या सिलेक्शन ले पाएँ, क्योंकि उस समय सभी लोग एक साथ तैयारी करते हैं और सफल वही होता है जो पहले से लगातार पढ़ता होता है। दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड लगवा लिया है, एक नहीं दो, ताकि आपको अब कम समय में मैं ज़्यादा बेहतर चीज़ें मुहैया करा सकूं। और सबसे बड़ी बात, सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रिंटेड हो चुके हैं और इस समय वो रीडिंग पर चल रहे हैं, कहीं मात्रात्मक त्रुटि नहीं हुई, क्योंकि अलग अलग किताबों से अलग अलग जगह से चीज़ें उठाकर आप तक पहुँचाना बहुत बड़ा एक कठिन संघर्ष का काम होता है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप भी इसमें जो भी होगा मदद के लिए बस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और इस किताब लिखने में और मैटर इकट्ठा करने में काफ़ी लोगों का योगदान है। इसमें सबसे बड़ा योगदान ज्योति मैम का है और साथ ही साथ कीर्ति मैम और दीपक सिंह राजपूत जो ललितपुर जिले से हैं, 17 वैस से, ललितपुर डाट से, उनका भी एक अहम योगदान है। और मैं तो इसमें पूरा दिन रात लगा हूँ और 3-3 टाइपराइटर टाइप कर रहे हैं, टाइप करने का मतलब टाइपराइटर पे नहीं, कंप्यूटर पे ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी मिलकर आपके लिए बेहतर कलेक्शन हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि आप भविष्य में होने वाले भारी जो भावी अध्यापक का सपना है आप सजोए हुए हैं वह सपना साकार कर सके। इसके लिए मैंने सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट की बैचेज एक साथ शुरू करने का प्लान इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट में सेम मिलती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूपीटेट में, सीटेट में नहीं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूपीटेट और सुपरटेट में हूबहू हैं, कुछ अलग हैं। इसलिए बार बार अलग अलग कोचिंगों में अलग अलग चीज़ें हम पढ़ते हैं। और हम क्या करेंगे कि जैसे मुझे ये पता है यूपीटेट में जो चीज़ें मैंने गणित में पढ़ा दी, तो सुपरटेट में मुझे वो चीज़ें केवल रिविजन करानी। इससे जब लोग पढ़ना शुरू करेंगे तब तैयारी करना शुरू करेंगे और इस बात की गारंटी लेते हैं हम कि आपका चयन सुनिश्चित है। और सबसे बड़ी बात कि उसके नोट्स भी हम उपलब्ध कराएंगे और एक एक सब्जेक्ट को हम 2 से 3-3 अध्यापक से पढ़वाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हो सकता है मैं आपकी नज़र में बेहतर ना पढ़ाता हूँ, अमित सर मैं दोनों मिलकर गणित की कक्षाएं लेंगे, एक रूल पढ़ाते हैं और मैं तो बिना रूल का पढ़ाता हूँ, बिना नियम का दोनों पढ़ाएंगे। कीर्ति मैम, ज्योति मैम भी ऑनलाइन क्लासेज आपकी लेंगे और साथ ही साथ सुनील सर और जो भी अध्यापक हैं, मैं प्रयास करके आपके लिए 2-2 अध्यापक लगा दूंगा ताकि आप कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर हो। और परीक्षा आते आते मैं आपके सिलेबस को 4 से 5 बार पढ़ा दूं ताकि आप इतनी बार पढ़ ले वो पूरी तरह से रट जाए और आप परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित कर सके। इसलिए मैंने यह पहल की शुरुआत की है और उसके लिए अगर आपको लगता है यह पहल एक अच्छी पहल है, और क्योंकि देखिए हम तभी पढ़ते हैं जब हमारे ऊपर प्रेशर आता है और हम आपको प्रतिदिन प्रेशर देंगे और 20 से 25 क्वेश्चन की डेली सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप डेली लगातार प्रैक्टिस में रहें और अपने आप को जांचते और परखते रहें कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्या परीक्षा के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं वो एक संचित रूप से सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। इसी के दृष्टिकोण को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह प्लान किया है, यह फैसला लिया है। और मिनिमम फीस जितना आप सोच सकते हो उससे भी कम, क्योंकि इसमें सीटेट भी पढ़ाएंगे, यूपीटेट पढ़ाएंगे, सुपरटेट पढ़ाएंगे, तब तक पढ़ाएंगे आपको जब तक आप अंतिम रूप से अध्यापक न चयनित हो जाएं। और यह सबसे ज़्यादा जो DLED 17 बैच के साथी हैं और जो अन्य साथी हैं जो अभी जिनके लिए सीटेट अभी आगे है, यूपीटेट सुपरटेट काफ़ी दूर है, वह जुड़ेंगे तो उनके लिए शायद ये रामबाण का काम करेगा। और इसमें सबसे अहम योगदान आप सभी का है और मैं आप सभी के लिए प्रॉपर वे में PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट, वीडियो लेक्चर, सभी चीज़ें मैं उपलब्ध कराऊंगा। और यदि आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप 6306344367 पर मैसेज या व्हाट्सएप कर दें, और मेरा नंबर भी 9506701777 है और आपकी दिख रहे डिजिटल बोर्ड आ चुका है जो लगातार मैं
आपके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ और इस उद्देश्य से मैंने लगाया ताकि आपका समय बच सके और इस समय का सदुपयोग किया जा सके। तो आपको यह मेरा सुझाव कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, क्योंकि तैयारी देखिए कोई मेहनत जो होता है वह एक दिन का योग या सहयोग नहीं होता। बहुत सारे अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, नो डाउट सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग सिलेबस, क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी रहा हूँ और मैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इन सभी को मैंने क्वालिफाई किया है और एक लंबा अनुभव मेरे पास है। हाँ, बेशक मेरे पास पढ़ने का समय नहीं मिल पाता क्योंकि आपके लिए इतना काम है तो समय कहाँ से मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको सबसे बेहतर उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। और जो भी फैकल्टीज मेरे पास है वो उत्तर प्रदेश की सभी बेस्ट फैकल्टीज में से एक है, आप उठा के देख लीजिएगा। ज्योति मैम जो बाल विकास पढ़ाती हैं, अन्य किसी भी संस्था की मैं बात करता हूँ, क्या किसी भी संस्था से कोई महिला टीचर कंपेयर करके देखिएगा, शायद आपको लगेगा शायद ऐसी महिला है जो सबसे बेहतर इस प्लेटफॉर्म पे इलर्निंग विद रिवेश पे आपके लिए पढ़ाती हैं। और साथ ही साथ अमित सर, मैं और जो पूरी फैकल्टीज है वो आपको ऐसी फैकल्टीज और कहीं उपलब्ध नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, जो हमने पढ़ाया वो परीक्षा में कहीं ना कहीं हूबहू तरीके से पूछे गए, इसके प्रमाण मेरे यूट्यूब की वीडियोज में पड़े हुए हैं और लिखित परीक्षा की 2-4 दिन जो मैंने पहले पढ़ाया, और पर्यावरण की नोट्स, मेरी वो नोट्स है जो नोट्स 4 पेज की नोट्स उत्तर प्रदेश पीसीए 2018 में 19 क्वेश्चन हूबहू या घुमा के हल्का सा पूछा था, वह नोट्स आज मेरे पास है, आप जब चाहें देख सकते हैं। और नोट्स को मैं और मॉडिफाई कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात, उस नोट्स में जब भी यूपी टेट की परीक्षा हुई है 15 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन अब मैं उसमें और संशोधन करके और बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बस आप लोग का छोटा सा साथ चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए सहयोग अगर आप देंगे तो मैं और कुछ बेहतर कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे आप है वैसे मैं भी हूँ। जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ की दशा आप देखेंगे तो यही सोचेंगे कि मैं कैसे संस्था को चला रहा हूँ। बस यह एक उम्मीद है कि आपके लिए कुछ बेहतर करना, इसलिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ और इसलिए मैंने शुरू किया ताकि आप लोग के पास जो लंबा टर्म, एक लंबा समय है, उसका सदुपयोग कर सके। किसी चीज को इतनी बार पढ़े कि वो एकदम पूरी तरह से रट जाए, हम कहते हैं याद करने के लिए पढ़ते हैं, इतनी बार पढ़िए कि वो रट जाए, आपके ब्लड में आ जाए, हर बात को इतनी बार सुन लीजिए। जितने भी बाल विकास है, संस्कृत की जितनी भी कठिन कठिन कॉन्सेप्ट है, जो इतनी बार आप सुन लीजिए कि आपके जब सब लोग सीटेड, यूपीटेड, सुपरटेड की तैयारी करने के लिए निकले तो आप उनसे बेहतर करने के पहले से काबिल रहें। इसलिए इस उद्देश्य से मैं आपके लिए यह वीडियो जो सीरीज है वो प्रारंभ कर रहा हूँ। हाँ, सबसे बड़ी बात, सबको लग रहा होगा सर आपको तो फ्री में शुरू करना चाहिए। देखिए भैया जी, मैं भी चाहता फ्री में शुरू करता, लेकिन समस्या मेरे साथ ये है कि मेरी भी फैकल्टीज है और रूम रेंट है, वाईफाई का खर्च है और आप तक वीडियो पहुंचाना हर चीज का खर्च करता है, मैं कैसे मैनेज करूंगा। मैं भी तो एक आपकी तरह एक इंसान हूं, तो सब कुछ मैनेज करने के लिए अगर आप छोटी सी सहयोग नहीं करेंगे तो मैं बेहतर कैसे कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, आप कहीं ना कहीं तो पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं तो पैसा देंगे, हाँ हो सकता है कुछ कम पैसे में अगर आप मेरे यहाँ जुड़ सकते हैं तो शायद ये भी नहीं है कि मैं किसी से बुरा या मैं किसी से खराब पढ़ाता हूँ या मेरे पढ़ाए हुए लोग सेलेक्ट नहीं हुए। सबसे बड़ा रिकॉर्ड, मेरे यहाँ सीटेड कोई फेल नहीं हुआ है, 100% मेरी कोचिंग का रिजल्ट रहा है। आप अगर आपको ना विश्वास हो तो जो भी वीडियोज मैंने इस बात में व्याख्या की लोगों ने कमेंट में उसके कमेंट के बारे में बताया है, और रही बात विरोधियों की तो हर जगह है, तो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आपसे है कि आप बेहतर करिए और मेहनत करिए। और बेशक अगर आप मुझसे नहीं जुड़कर पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखिए, क्योंकि जो आपकी तैयारी है ये आपके ही काम आएगी। और परीक्षा के समय, क्योंकि जिस समय सुपरटेट रिपीटेड आएगी उस समय आप सबकी सेमेस्टर की परीक्षाएं चरम पर होती हैं, उस समय वही हाल होगा कि सेमेस्टर पढ़े कि टेट का पढ़े, कि टेट का पढ़े तब तक सुपर टेट आ जाएगा। इसलिए आप सब अभी से पढ़ना प्रारंभ करें, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि यूपी टेट आने से पहले मैं आपको यूपी टेट का पूरा सिलेबस, सुपर टेट का सिलेबस पूरा पढ़ा चुका रहूँगा, और यह बहुत बड़ी बात है आपके लिए और मेरे लिए। और हो सकता है तब तक मैं 2 बार पढ़ा लूँ, और आपका साथ चाहिए। बस आपका साथ का मतलब, आपके पास कुछ न किताब खरीदनी है, कुछ भी नहीं खरीदना है, एक अच्छी सी कॉपी लेनी है, 4 कलर के पेन खरीदने हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको यहाँ से उपलब्ध कराऊँगा। और आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और उसमें 4G का पैक, क्योंकि देखिए आप समय भी आए आपके पास और एंड्रॉयड फ़ोन भी है, आप उसका जो मिसयूज करते हैं, मिसयूज का मतलब आप यूज़ तो करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, जो हमारा टाइम इधर जाता है, अगर थोड़ा सा अगर पढ़ने का प्रयास करें तो शायद आप ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हर बार जब भी परीक्षाएं होंगी पिछली बार की अपेक्षा प्रतिभागी ज़्यादा होंगे। 68,500 में 110,000 अभ्यर्थी सामने थे, 68,500 सीट थी, अगली परीक्षा 410,000 अभ्यर्थी, 69,000 पद, अगली बार पद संख्या कम, अभ्यर्थी भैया 410,000 में 69,000 तो होंगे, बाकी अगली परीक्षा में बैठेंगे 261,000 DLED, लगभग 100,000 BEd, तो ये जो नए आएंगे लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी, और 3.5 लाख लगभग पिछले, कुल मिला के 7 लाख अभ्यर्थी हो जाएंगे अगली बार और ज़्यादा। तो कहने का मतलब अभ्यर्थी अगर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, और आपको पता है अब
नियुक्ति आपके लिखित परीक्षा के आधार पर ही हो पाएगी, क्योंकि एकेडमी से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या हो गया अब लिखित, क्योंकि एकेडमी मेरिट को आप अभी सुधार नहीं सकते हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन को, लेकिन आपके पास जो प्रॉपर समय सुधारने का वह लिखित परीक्षा का यूपी टेट का है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस बात से सहमत है कि वास्तव में इस समय जो पढ़ाई करनी है वो पूरी रणनीति और पूरे तरीके के साथ करना है, ताकि आप सफलता के दहलीज पर जल्दी से जल्दी अपने कदम फैला सके, अगर ऐसा आपको लगता है इस वीडियो लिंक को आप सभी साथियों तक शेयर करिएगा, ताकि जो साथी तक हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु साथी हों या बहुत सारे साथी हों जो वास्तव में इस तरह से मुझसे जुड़ना चाहते हो, इस तरह कोर्स में करना चाहते हो, उनका मोस्ट वेलकम है। भैया इतनी मामूली फीस रखे हैं हम, कारण क्या है अगर किसी कोचिंग को लिए अगर अभी से आप पढ़ना चाह रहे हैं अगर डेली का भाड़ा 30 आने के 60 रुपया दे रहे हैं, तो महीने के लगभग भैया 30 दिन छुट्टी निकाल के 1500 रुपया लगभग हुई, और 5 महीना किए 7500, 10 महीना किए तो 7500। भैया मैं किराया भी नहीं मांगूंगा आपसे, जितना किराया खर्च करते हो उससे कम में भी, ताकि अब मेरा भी मदद हो जाए, मेरा भी चलता रहे और आपके लिए भी मैं कुछ बेहतर कर सकूँ। इसी के लिए मैं आप सभी साथियों के साथ आज आया सम्मुख, ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। आपसे बस एक उम्मीद है कि आप जुड़िएगा और प्रयास करिएगा, आपके साथी जो भी जुड़ना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है, वो भी साथ आएँ और प्रयास करें अपनी जिंदगी का कुछ बेहतर देने के लिए। हम आपको पुनः एक बार अपनी लाइन को पुनः समझाते चल रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस पूरी मिलेगी, सिलेबस मैं कंप्लीट करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, कब वीडियो कम कब वीडियो ज़्यादा देनी है। उसके बाद दूसरी कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या है, दूसरा काम आपको क्या होगा, आपको सभी नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तीसरा प्रैक्टिस सेट भी आपको मेरे द्वारा दी जाएगी, और साथ ही साथ मैं एक महीने की क्लास के बाद जैसे कुछ आप सीख लें, प्रतिदिन 10 से 15 क्वेश्चन की सीरीज आपको दूंगा, ताकि आप डेली प्रैक्टिस में रहे और आप अपने आप को स्वयं जांचे कि क्या जो आप पढ़ रहे हैं क्या परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि नहीं, क्या आप ऐसा जो पढ़ रहे हैं क्या परीक्षा से कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप का संबंध है या नहीं। रही बात गणित की, गणित से डर रहे हैं तो मैं आपके सामने हूँ, गणित का डर दूर हो जाएगा, और जल्दी ही मैं आपके सेमेस्टर की भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, आप सहयोग दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी में जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी में भी ई लर्निंग विद दुर्गेश यूज करके रेफरल कोड मेरा यूज करके वहाँ जोड़ सकते हैं। कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी पे, वहाँ पे आपको मेरे रेफरल कोड पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वहाँ पे आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करना है और एकदम कम फीस पे वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मेरा जब रेफरल कोड यूज करेंगे तो आप जितने भी अनअकैडमी के एजुकेटर हैं सभी की वीडियोज आप वहाँ पे देख सकते हैं। केवल अगर आप मेरा डालेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश 10% की छूट मिलेगी, और जितने भी एजुकेटर हैं से सभी के आप वीडियोज देख पाएंगे। तो आपको अगर लगता है कि अनअकैडमी से पढ़ना तो वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं, रेफरल कोड आपको यूज करना है ई लर्निंग विद दुर्गेश, वहाँ भी यूज करके आप जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बाकी आप स्वतंत्र हैं। मैं यही कहूँगा जहाँ भी रहिए चाहे जहाँ पढ़िए आप पढ़ते रहिए, क्योंकि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत के साथ साथ हमारे यहाँ जो मेरिट है वो भी भागती जा रही है, इसलिए आपका परिश्रम आपको सिलेक्शन जिसे चयन के द्वार तक नजदीक करेगा। इसलिए आप सभी साथियों को आगामी परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपनी जिंदगी का बेहतर दीजिए, सफलता आपके मुकाम जल्दी चूमेगी, इसलिए आप पढ़ते रहिए कहीं भी पढ़िए। यदि आपको लगता है मेरे साथ पढ़ के चार जो एक साल का लंबा समय अगली वैकेंसी आने वाली है तब तक ये पढ़ना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, और नंबर आपको लिखा है 6306344367 6306344367 9506700777, डिस्क्रिप्शन इसका लिंक भी दिया गया जहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद।